नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। दोस्तों, कहा जाता है कि ईमानदार अधिकारी को अपनी ईमानदारी का खामियाजा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असलियत में भी उठाना पड़ता है। नौकरशाही में ऐसे कई मौके देखने को मिलते हैं जब किसी ईमानदार अधिकारी को अपने काम के तरीकों के कारण विभागीय एक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको जिस IPS की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो महिला अधिकारी उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आई थी जब उन्होंने तत्कालीन CM को ही गिरफ्तार कर लिया था। ये कहानी कर्नाटक की IPS रूपा दिवाकर मौदगिल की है, जो कि कर्नाटक कैडर के 2000 बैच की IPS अधिकारी हैं। हो सकता है कि आपने इनके बारे में पहले भी कई बार खबरें देखी और पढ़ी होंगी, मगर हम अपनी इस रिपोर्ट में जो वाक्य बताने जा रहे हैं उनके वो किस्से आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये IPS रूपा आखिरी बार तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने एक बड़े अफसर के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनके बारे में जो जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि रूपा के लिए ये बड़ी बात नहीं है। वो तमाम राज्यों में नौकरी के दौरान ऐसे कई एक्शंस में शामिल रही हैं जिसके कारण उनके काम की चर्चा होती रही है। फिर चाहे वो जेल में बंद AIDMK की नेता शशिकला के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो या साल 2003-04 के दौरान MP की तत्कालीन CM उमा भारती को गिरफ्तार करने का मामला। रूपा की कार्यशैली पर कई बार सवाल और विवाद दोनों हुए हैं। NBT की वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार रूपा अब राज्य के हैंडलूम एम्पोरियम का कामकाज देख रही हैं। NBT की साइट पर छपी न्यूज़ के अनुसार रूपा ने IAS छोड़ IPS की नौकरी चुनी थी। जानकारी के मुताबिक कभी UPSC की परीक्षा में ऑल इंडिया 43वीं रैंक लाने के बाद IAS छोड़ IPS बनने वाली रूपा का 20 साल की सर्विस में 40 बार तबादला हो चुका है। रूपा का कहना है कि वो आसानी से IAS बन सकती थी, लेकिन पुलिस सर्विसेज के शौक के कारण उन्होंने IPS चुना। पुलिस सर्विसेज के अलावा रूपा एक बेहतरीन ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं। इसके साथ ही इन्होंने भारतीय संगीत की भी ट्रेनिंग ली है। रूपा ने बयालताड़ा भीमन्ना नामक कन्नड़ फिल्म में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में भी गीत गाया है। इन सब के साथ रूपा एक बेहतरीन शार्प शूटर रही हैं और शूटिंग में कई पुरस्कार भी जीते हैं। 2003 में रूपा की शादी मुनीष मुंदरील से हुई। मुनीष एक IAS अफसर हैं। रूपा की छोटी बहन रोहिणी दिवाकर भी 2008 बैच की IRS ऑफिसर हैं। बताया जाता है कि अपने तबादले के बाद रूपा ने ट्विटर पर लिखा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हाँ, मैं ये हमेशा से जानती हूँ, तबादला होना हर सरकारी नौकरी के हिस्से जैसा है। मैंने जितने साल नौकरी की है उससे 2 गुने बार मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना विवाद और जोखिम का काम है और मैं ये अच्छे से जानती हूँ। मैं मूल्यों से समझौता किए बिना अपना काम करूँगी, जहाँ ये पद हो या फिर वो पद, मेरे लिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस महिला अफसर की बहादुरी को लेकर और इनके कारनामों को लेकर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इससे पहले हमने एक SSP की स्टोरी चलाई थी, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी देखकर आप ज़रूर बताएं कि ऐसे ऑफिसरों के बारे में आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।